हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्कूल कल्चर एंड टीचर डेवलपमेंट, यानी शाल्य संस्कृति एवं शिक्षक विकास, जो आपका सब्जेक्ट है DL-ED सेकेंड ईयर का। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम कल्चर, यानी कक्षा संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ तक आपको बता दिया था और अच्छे से समझा दिया था। अब मैं आपको उसके आगे का बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है या आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख लिए, फिर उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं आप लोगों को कुछ भी चीज़ समझा रही हूं, कोई भी टॉपिक बता रही हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। और आपको अगर इसमें कोई डाउट होता है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट बेनिफिट ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान का लाभ लिखें। तो मैंने एक्शन रिसर्च के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्शन रिसर्च होता क्या है, तो आप लोग वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेनिफिट, यानी लाभ, एक्शन रिसर्च के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं साथ में उसको हिंदी में भी बताती जाऊँगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इट मेक्स द टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रिसर्च एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रिसर्च माइंडेड। मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कि एक्शन रिसर्च क्या है, फिर मैं बताऊँगी कि उसके लाभ क्या हैं। तो यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर एक्शन रिसर्च के मैंने डेफिनेशन बताई थी पिछले वीडियो में, ये वही डेफिनेशन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। जब हम अपने आप की खोज करते हैं समाज में रह के, जब हम समाज में रहते हैं, हम अपने आप की खोज कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं, हमें क्या चीज़ें सुधारनी हैं, और हमें सोसाइटी के साथ कैसे चलना है, कौन से सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ रह के सीखते हैं, सोसाइटी में। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान। अब मैं बताऊँगी कि उसके लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसका मतलब है, जो टीचर स्टूडेंट है यानी छात्र अध्यापक हैं, अगर वो एक्शन रिसर्च करते हैं तो उनको उनका बेनिफिट क्या मिलेगा, कि उनका जो माइंड है वो रिसर्च माइंडेड बन जाएगा। अब जैसे कि देखिए, जब हमारे जो कॉलेज हैं, हम लोगों को जो टीचर स्टूडेंट होते हैं DL-ED के, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे टीचर बनने जा रहे हैं, उनको इंटर्नशिप पे भेजते हैं। उनको इंटर्नशिप पे क्यों भेजते हैं, ताकि वो वहाँ पर रहें, उस एनवायरनमेंट में रहें, जाने कि कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे डील करते हैं। तो वहाँ पर रह के वो अपनी चीज़ों को सीखते हैं और उनकी जो चीज़ें हैं उनको सुधारते भी हैं। तो इससे उनको फ़ायदा होता है अपने आगे के फ्यूचर के लिए, जब वो टीचर बनेंगे। तो इट मेक्स देम टू इम्प्रूव देयर वर्ल्ड ऑफ वर्क हैबिट्स एंड हैव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। और जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, हम जब इंटर्नशिप पे जाते हैं तो वो भी एक टाइप का एक्शन रिसर्च ही है। हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हम उस एनवायरनमेंट में जाते हैं कि वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, हमें कैसे बिहेव करना है, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। तो हमें वहाँ जाके पता चलता है कि हमारी जो वर्क हैबिट है वो कैसी है, हमें कैसे काम करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इट मेक्स देम टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस ब्रिंग। तो क्या होता है, जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं तो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, सुधरती जाती हैं और एक हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, सोसाइटी में रहने के लायक बन जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ सच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी बेस्ट यूटिलाइज फॉर इम्प्रूविंग देयर वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड डेवलपिंग देम प्रोफेशनली एज मच एज पॉसिबल। तो एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान का अगला लाभ है, इससे क्या होता है, हम लोग अपने आप में तो हमें सुधार आता है पर्सनली, साथ में हमारा प्रोफेशनली भी सुधार आता है। अगर हम इंटर्नशिप पे जा रहे हैं
तो हमें वहाँ पर क्या पता चलता है, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं कि हमें ऐसे टीचर बनना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे बिहेव करना है। तो ये क्या हो रहा है, हम प्रोफेशनली भी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग द सराउंडिंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट क्वाइट कंडक्टिव टू प्रॉपर टीचिंग एंड लर्निंग। जब आप लोग इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, मैं यहाँ बार बार इंटर्नशिप का आप लोगों को एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ, ये कॉमन है, सब फेस कर चुके हैं या आगे जाके करेंगे फेस। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्शन रिसर्च का, इसलिए मैं आपको बार बार इंटर्नशिप का एग्जांपल बता रही हूँ, वो भी एक टाइप का एक्शन रिसर्च ही है। ठीक है, तो फिर इसका जो पॉइंट है, इसका मतलब है, जब हम ऐसे सराउंडिंग में जाते हैं, सराउंडिंग मतलब ऐसे वातावरण में जाते हैं, वहाँ जाके हम सीखते हैं कि प्रॉपर टीचिंग कैसे करते हैं, अच्छे से पढ़ाते कैसे हैं, और बहुत चीज़ें हम लर्न करते हैं। तो ये जो सारे लाभ हैं वो हैं क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपको 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव तो आपको फिर कभी बताऊंगी, लेकिन मैं आज इसका जो आंसर है वो आपको बताती हूँ कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन, हिंदी में ऐसा पूछा जाता है, गांधी जी का शिक्षा दर्शन, और इंग्लिश में एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि गांधी जी की शिक्षा दर्शन यानी उनकी एजुकेशन फिलॉसफी क्या थी। तो ही सिंथेसाइज ऑल 3 बेसिक फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन इनटू हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। लाइक अ नेचुरलिस्ट, गांधी जी एम्फेसाइज सेल्फ डिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन। He claimed that every children in India had to be trained as education was the secret to a successful life. Some of his ideologies were, तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा है उससे बच्चे के अंदर 3 चीजें आती हैं। तो 3 चीजें वो होती हैं, जो बच्चा होता है वो आदर्शवाद बन जाता है, प्रकृतिवाद बन जाता है, और उसका जो व्यवहार है वो भी सुधर जाता है, और उसका जो व्यवहार है वो इस लायक बन जाता है कि वो सोसाइटी में कैसे रहे, लोगों को कैसे डील करे। तो गांधी जी के जो अनुसार है, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी उनकी कुछ आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज मतलब विचारधारा। तो गांधी जी की यहाँ पर मैंने 4 विचारधाराएँ लिखी। सबसे पहले फ्री कंपलसरी एजुकेशन, यानी जो शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। फ्री मतलब मुफ्त होनी चाहिए, और कंपलसरी यानी सबको ही वो करना है, ऐसा कंपल्शन कर देना चाहिए, ज़रूरी है। तो दूसरा है सेल्फ सस्टेनेंस। तो सस्टेनेंस मतलब होता है सपोर्ट, मतलब आत्मनिर्भर हो, किसी पे निर्भर ना हो। मदर टंग एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो शिक्षा होनी चाहिए तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जो भी जो शिक्षा होनी चाहिए वो मदर टंग लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, यानी जिसकी भी जो भी मदर टंग लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, तमिल है, जो भी है, जिसमें जो भी कंफर्ट है तो उसमें उसकी जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आइडियोलॉजी यानी विचारधारा है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि हमको सबको पता है, अहिंसा। तो ये है गांधी जी की आइडियोलॉजीज, और यहाँ पर मैंने आपको 3 की बेसिक फिलॉसफीज भी बताई हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट में आ सकता है, और ये आप लोगों को 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी शिक्षक के रूप में एक सूत्रधार की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो मैं आपको 1 by 1 यह पॉइंट पढ़ूंगी और उसको हिंदी में समझाऊंगी। एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग द टीचर मस्ट बी वार्म, अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कंट्रोलिंग, ही मस्ट लिसन एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग। तो जो टीचर होना चाहिए, जो शिक्षक होना चाहिए, उसको बहुत ही ज़्यादा वार्म होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और सेल्फ कंट्रोलिंग होना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए कि सारे बच्चों को वो सुने और सारे बच्चों की जो फीलिंग्स है उनको एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक टीचर के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। जो कुछ टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सिर्फ 2-3 फेवरेट्स होते हैं और बाकी कोई फेवरेट नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग भी टीचर बनने चाह रहे हैं तो सबको एक जैसा ही हमें देखना है, और सबकी फीलिंग्स को समझना है, कौन कैसा है, सबको अंडरस्टैंड करना है,
और सबसे मेन चीज़ है सेल्फ कंट्रोलिंग, अपने आप पे नियंत्रण रखना है। कि क्योंकि बहुत से टीचर्स होते हैं आजकल तो कॉमन हो गए कि जो टीचर होते हैं वो मार से और पिटाई से बच्चों को पढ़ाते, तो ऐसे नहीं करना। और यह हमें उनसे कुछ भी नहीं कह देना है, बच्चे हैं तो उनसे ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कह दें, हमें उनसे बहुत अच्छे से बात करनी है, उनको समझना है और उनको सुनना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ही शी मस्ट ऑब्जर्व स्टूडेंट रिएक्शन क्लोजफुली। हर बच्चे को बहुत करीबी से उनके जो रिएक्शंस हैं उनको ऑब्जर्व करने चाहिए, कौन सा बच्चा किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, किसको किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। तो हर एक बच्चे को क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्लोजली फुली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मतलब उनको देखना है। He must listen attentively and accept the student feeling and ideas. कोई भी बच्चा टीचर को कुछ बता रहा है तो उसको हमको अच्छे से सुनना है और उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं बच्चा बता रहा है कुछ भी तो हम सुन नहीं रहे, हम अपने काम में लगे हैं, या आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर नहीं दे पा रहा, वो कुछ भी बता रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। उनको मोटिवेट करना है, उनको सुनना है, ताकि आगे चल के उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। He she must ask question to the student, praise and encourage when necessary. जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया, आप लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछिए तो और जब वो आंसर दें तो उनको शाबाशी दीजिए, इनकरेज कीजिए आगे के लिए, और अगर वो आंसर नहीं भी दे पाते तब भी उनको इनकरेज करिए और उनको बताइए आंसर कि उसका आंसर क्या है प्यार से। नहीं तो ऐसा क्या होगा, अगर डांट देते हैं कि आपको नहीं आता है तो मैंने पढ़ाया था, तो आप जब बच्चे से ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो बच्चा क्या होता है, उसका जो पढ़ाई से उसका मन हट जाता है, उसको या वो टीचर ही अच्छा नहीं लगता या वो सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे काम हमें नहीं करने, हमें बच्चों को पढ़ाना है, डराना नहीं है। Whenever he she criticizes a student, he must explain the reason of criticism. अगर आप किसी बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए दोषी आप उनको दोष दे रहे हो या कुछ आप उनको बता रहे हो, तो उनको पूरा एक्सप्लेन करो कि हम इस चीज़ की वजह से तुमको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तुमको मना कर रहे हैं, तुमको दोषी ठहरा रहे हैं, तो ऐसा काम मत करो। ऐसा नहीं है बस आप बच्चे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो उससे क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। तो उनको उनका रीज़न बताओ, एक्सप्लेन करो। ही शी मस्ट बी स्टिम्युलेटिंग एंड इमेजिनेटिव इन हिज अप्रोच टू क्लासरूम बिहेवियर एंड सब्जेक्ट। और बच्चों को आप लोग अप्रोच किए कि आपको पढ़ना है क्लासरूम में, आप उनका बिहेवियर देखिए, उनको पढ़ाई के लिए अप्रोच करिए, सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए नई नई एक्टिविटीज़ के साथ। फॉर फैसिलिटेट लर्निंग द टीचर मस्ट इनकरेज क्लासरूम डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो बच्चों का मन लगे पढ़ाई में, वो इनकरेज हो पढ़ाई के लिए, तो क्लासरूम में ऐसा माहौल बनाइए। तो माहौल कैसे बना सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनवा दिए, उनको कोई टॉपिक दे दिए जिसमें वो डिस्कस करें, कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन रख दिए, दो टीमें बना दिए, क्वेश्चन पूछेगी एक आंसर देगी। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई की तरफ। वेन एवर नेसेसरी ही मस्ट लेक्चर डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन थिंग्स विद एग्जाम्पल, ही मस्ट इनकरेज इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट्स। तो ज़रूरत पड़ने पर आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको चीज़ों को एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ, कोई चीज़ दिखाइए। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज़ के साथ उनको दिखाना, एग्जाम्पल के साथ उनको दिखाना। जैसे TLM है, आप बच्चे को अगर प्लस माइनस सिखा रहे हो तो उसको कोई TLM है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसको आप दिखा के आप या बना के उनको बता सकते हैं ताकि उनको क्लियरली समझ में आए, या आप उनको उससे रिलेटेड कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं जिससे वो क्या हो, इनकरेज हो पढ़ने के लिए। तो ये हैं आज के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।